प्रतापगढ़ में धमोतर थाना क्षेत्र के बावड़ी खेड़ा नेशनल हाईवे 113 पर सुबह एक कार ने 5 बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि 6 अन्य सवार घायल हो गए हैं, जिनका जिला चिकित्सालय में उपचार करते हुए उदयपुर रेफर कर दिया गया। जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से 5 बाइक सवार बाबा रामदेव की यात्रा पर जा रहे थे, तभी तेज गति से आ रही कार ने बाइक वालों की टक्कर मार दी, जिससे 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मृत्यु हुई, करीबन 6 लोग घायल हुए हैं। 5 मोटरसाइकिल सवार रहने वाले मध्य प्रदेश के जावरा क्षेत्र के बताए जा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश लगातार कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना भीषण ये सड़क हादसा और दर्दनाक तस्वीरें, जिसमें 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई है, 6 अन्य घायल हुए हैं, जिनका उपचार लगातार चल रहा है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है कि आखिरकार लापरवाही कहां थी, किसकी थी कि ये हादसा पेश आया है। आपको बता दें रामदेवरा की तरफ जा रहे थे ये सभी बाइक सवार, जिनको अनियंत्रित कार ने अपनी चपेट में ले लिया और उसके बाद यह हादसा पेश आया। हादसे में 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि 6 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं घायलों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वन संवाददाता महेश राव हमसे जुड़ चुके हैं। महेश, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में, क्या कुछ वजह रही इस पूरे हादसे की? जी पूजा जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि सुबह करीबन 4:30 बजे जी जो रामदेव जी यात्री जा रहे थे, करीबन 5 मोटरसाइकिल थी और उस पर 8 सवारी थी जी, और करीबन उधर से अपने चित्तौड़ साइड से एक कार जो आई तेज गति से, 5 मोटरसाइकिलों की टक्कर हो गई और जिसमें 6 तो गंभीर रूप से घायल हो गए और 2 की मौके पे ही मौत हो चुकी जी। वही एक बात और बताना चाहूंगा कि रात को धोलापानी क्षेत्र में भी एनएच 113 पर एक हादसा हुआ, जिससे एक व्यक्ति रात को भी ऑन द स्पॉट मौके पे ही उसकी मृत्यु हो गई जी। महेश, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि रफ्तार का कहर देखने को मिला है जी। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद महेश, खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए।